What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to study lover. ये देखिए कितने शानदार पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, इनसे आप लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है. एक तो आप लोग जब भी डे बाय डे किससे डिस्कशन करते हैं तो अगर ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो आप लोगों का डिस्कशन अच्छा होगा. न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी. और अगर कोई क्वेश्चन पेपर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो इनमें अगर आप लोगों को डिफरेंस पता है तो आप लोग को भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे. तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर चल रहा है 22, उसका जो आगे का प्रोसेस है उसमें ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं. तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर लेकर यहाँ पर आया हूँ. तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिसी, पॉलिसी के बाद में फिर हम लोग देखेंगे बिल क्या होता है, उसके बाद में एक्ट देखेंगे और इसके बाद में ऑर्डिनेंस देखेंगे. इनमें आप लोगों को डिफरेंस भी नजर आएगा कि क्या डिफरेंस है. कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है पॉलिसी से और पॉलिसी से होते हुए फिर कहाँ तक पहुँचता है, वो एक्ट तक पहुँचता है. इसी तरीके से ऑर्डिनेंस भी एक शॉर्टकट है एक्ट बनाने का. तो ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों की समझ में आएगा किस तरीके से पॉलिसी से बिल और बिल से हम लोग एक्ट तक पहुँचते हैं. तो इसके लिए पहले आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिसी और इसके अलावा जो हमारा एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं कि बिल क्या होता है. बिल देखिए एक कोई एक तरीका इस तरीके से परफॉर्मा बना दिया जाता है कि हम लोग आगे चलने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को पनिश भी किया जा सकता है. ठीक है, मतलब सबको वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा. तो एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है और फिर उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल. ये कौन कौन कर सकता है, ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है. गवर्नमेंट बिल कब होगा, जब कोई भी बिल प्रस्तुत किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट में, या फिर लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वहां पर हमारे जो MLA होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. तो इस तरीके से अगर सांसद के द्वारा ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल. पर लेकिन अगर कोई दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उस टाइम पर मिनिस्टर नहीं है, तो अगर वो प्रस्तुत करता है, ये मिनिस्टर होता तभी गवर्नमेंट बिल बोलेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है. पर लेकिन यहाँ पे कोई अदर MP अपोजिशन का भी हो सकता है, वहां पर जो एक तरीके से मिनिस्टर नहीं है जिससे रिलेटेड ये बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अगर कोई दूसरा मेंबर उस बिल को प्रस्तुत करता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. तो ये पहले किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है, छोड़ के मनी बिल को. मनी बिल तो कहाँ पे होगा, हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा. पर लेकिन जो और कोई बिल है वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी. जब पहले एक हाउस में इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, वहां पर अगर पास हो जाता है, फिर वो दूसरे हाउस में पहुंचता है. फिर दूसरे हाउस में जब उस पर दूसरे हाउस में भी उसी तरीके से उसको पास कर दिया जाता है, तो फिर पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास में. और प्रेसिडेंट के जिस दिन उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, फिर ये जो हमारा बिल है ये बिल हमारा एक्ट बन जाता है, जिसको हम एक्ट बोलते हैं. पर लेकिन अभी भी ये हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आने से पहले इस एक्ट को हम गजट में नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन गजट में देते हैं. गजट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा गजेटेड ऑफिसर. ठीक है, गजेटेड ऑफिसर उनको तभी बोला जाता है जब उनका नाम गजट में आ जाता है. तो ये गजट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी प्रक्रिया इनको प्रोसेस जो भी काम करने होते हैं जनता तक लाने होते हैं, तो पहले उसको गजट में नोटिफाई कर देते हैं. तो ये प्रोसेस होता है एक बिल को कंप्लीट एक्ट बनाने में और यहाँ के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने में. पर यहाँ तक ही काम खत्म नहीं होता है, इसके बाद में पिक्चर में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में कैसे आता है, अगर मान लीजिए कोई भी बिल पास होने के बाद में एक्ट बन के कोई ऐसा एक्ट बन गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका ओवरव्यू करेगा. सुप्रीम कोर्ट उसका ओवरव्यू करने के बाद में देखेगा कि ये जो एक्ट है ये हमारे कोर्ट के, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है. जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा NJAC, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है और ये सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एक पावर सेपरेशन होता है, मतलब जुडिशरी में अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव अलग होनी चाहिए, तो सबके अलग अलग काम होने चाहिए, किसी को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. तो उन्होंने बोला था ये सेपरेशन ऑफ पावर का हनन हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने जो NJAC था इसको बोला था कि ये नल एंड वॉइड है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ पे खत्म हो गया था. तो अगर कोई भी बिल इस तरीके से एक्ट बनता है और एक्ट बनने के बाद में कोर्ट में जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको खत्म कर दिया जाता है. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है तो फिर उसको इफेक्टिव कर दिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. तो ये कंप्लीट होता है, जो बिल प्रोसेस करके एक कंप्लीट बिल को यहाँ पर एक्ट बनाया जाता है और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है. अब यहाँ पर इसका कोई अगर उल्लंघन करता है
तो उसको पनिश किया जाएगा, इस तरीके के प्रोविजन एक्ट में रखे जाते हैं। ओके, इसके लिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल ले सकते हैं, निर्भया केस हुआ था 2012 में। तो निर्भया केस हुआ था उसमें एक ऐसा ही एक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी बार बार कि किसी भी तरीके से खासकर जो जुवेनाइल होते हैं, मतलब जिनकी उम्र जो होती है वो बोली जाती है 18 साल से, या हमारे यहाँ पर 16 साल से कम ले रहे थे, ठीक है, अगर उस तरीके से है तो उनको मतलब किस तरीके से अंडर कटघरे में ला के रखा जाए, जो कि इतनी दर्दनाक घटनाएं हमारी सोसाइटी में करते हैं। तो जब एक्ट बनाया जाएगा उस तरीके से, उनको उस एज के अंडर में लाया जाएगा, तो तभी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और फिर उस एक्ट का अगर उल्लंघन करता है तो पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्ट निकल के आते हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक हार्मनी लाने के लिए, ठीक है, और चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए, एक सोशल वेलफेयर करने के लिए, एक सोसाइटी में एक जस्टिस लाने के लिए। तो ये इसलिए यहाँ पर एक्ट बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को पॉलिसी में और लॉ में थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा यहाँ पे, जिससे आपके माइंड में और ज़्यादा क्लैरिटी आएंगी। पॉलिसी की जो बात की जाती है, सबसे पहले तो आप लोग ये वाला पॉइंट देखिए, पॉलिसी जो बिगनिंग होती है, जर्नी होती है, जो कि लॉ पे जाके खत्म होती है, मतलब स्टार्ट कर दिया जाता है, कोई भी गाइडलाइन दे दी जाती है कि यार ये काम हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जैसे एक पॉलिसी बना दी स्टार्टिंग में कि देखिए आज की डेट में हम क्या करेंगे, एक गाइडलाइन बनाएंगे लोगों के लिए कि प्लीज़ कहीं पर भी गंदगी न फैलाएं, साफ सुरक्षा रखिए यहाँ पर, कहीं पर भी कोई गंदगी न फैलाएं, कहीं पर भी आप अगर चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, तो उनके रैपर जो है आप लोग सड़क पर न फेंके। तो एक गाइडलाइन दे दी, ठीक है, ये गाइडलाइन बताई गई कि सोसाइटी को ठीक करने के लिए, थोड़ा वेलफेयर के लिए सोसाइटी को। पर लेकिन उसको जब लॉ बना के प्रॉपर राज्यसभा में, लोकसभा में पास करके, प्रेसिडेंट के साइन करके जब उसका एक एक्ट बनाया जाता है, तो उसको प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया जाता है, तो उसको फिर लॉ बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में गाइडलाइन रहती है, लेकिन फिर फ्रेमवर्क के तरह लेजिस्लेशन के थ्रू उसको पास करके इंप्लीमेंट किया जाता है, तो लॉ बन जाता है। तो पॉलिसी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और जो लॉ होता है वो एंड पॉइंट होता है। इसके अलावा पॉलिसी अगर बना दी जाती है, उसको कभी भी पनिश नहीं किया जा सकता है किसी को अगर कोई वायलेट करता है। पर लेकिन जब लॉ बना दिया कि अगर किसी ने गंदगी फैलाई यहाँ पर, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लॉ बना दिया गया, तो फिर उसको लॉ को इन्फोर्स किया जाता है और पनिश भी किया जाता है। तो पॉलिसी तो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए होती है, पर जो लॉ होता है वो एक तरीके से सोशल जस्टिस लेके आता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई पॉलिसी बनाई गई और पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पनिश किया जा सकता है। पर लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक जस्टिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा निर्भया केस वाला, अगर कोई सोसाइटी में गलत काम कर रहा है, तो एक जस्टिस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर सोशल जस्टिस। तो इसलिए पॉलिसी जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो एंड होती है आकर वो लॉ पर, जिसको हम एक्ट भी बोलते हैं, उस पर जाकर फिनिश होता है ये। इसके अलावा देखिए, तो इनमें डिफरेंस हो गया, कुछ सिमिलैरिटी भी होती हैं। एक तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा अभी किस तरीके से पहले पॉलिसीज होती हैं और फिर उसको लॉ बना दिया जाता है, तो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं और सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में ये पॉलिसीज लेके नहीं आएंगे, उसको फिर एक्ट नहीं बनाया जाएगा, तो हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं रख पाएंगे, कोई भी सड़क पर अच्छे से नहीं चलेगा। जिस तरीके से लॉ बना रखे हैं, अगर किसी ने सड़क के रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो एक सेप देते हैं हमारी सोसाइटी को, एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी में हार्मनी रखने का काम करते हैं। तो ये काम किया जाता है हमारे यहाँ पर, जो पॉलिसीज होती हैं और जो एक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। अब ये तो हो गया एक कंप्लीट प्रोसेस, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि पूरा प्रोसेस होता है, जिसके तहत ये कंप्लीट प्रोसेस चलता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर पास किया जाता है हाउस में, फिर उसको आगे लेके आ जाता है, इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। पर लेकिन ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम ऐसा होगा कि हमारे जो हाउस हैं, मतलब देखिए राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो राज्यसभा की तो बात छोड़ दीजिए, पर कई बार क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, ठीक है। जो हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, तो उस टाइम पर अगर जरूरत पड़ गई, एकदम इमीडिएट कोई जरूरत पड़ गई किसी लॉ को लाने की, तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस का साथ लिया जाता है। खासकर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सेशन बताए थे लास्ट लेक्चर में, अगर बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, इनमें से कोई सा भी सेशन उस टाइम पर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए उस टाइम पर अगर अर्जेंसी कोई इस तरीके की आती है कि ऑर्डिनेंस लेके आना है, तो तब ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये काम होता है ऑर्डिनेंस का। तो ऑर्डिनेंस को अगर आप ध्यान से देखें, जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस लेके आता है, 1, 2, 3, ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और यहाँ पे जो लेके आता है, ये आता है गवर्नर, इसको बोलते हैं 213। दोनों के आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको पार्ट में देखिएगा, किस पार्ट में पढ़ता है ये, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में पढ़ता है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये ऑर्डिनेंस लेके आता है, इसका बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप लोग एक्ट लेके आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका इफेक्ट होता है। पर लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है,
ये लिमिटेड पीरियड के लिए अडेप्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अर्जेंसी के लिए होता है और पार्लियामेंट के प्रोसेस से होकर नहीं आता है, तो इसलिए ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होकर आता तो फिर लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर आप लोग स्टेट लेजिस्लेचर ले सकते हैं, वहां पर जो भी एक्ट या लॉ हम लोग बनाते हैं तो अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे चुने हुए नुमाइंदे जाकर बैठते हैं, अगर वो लॉ बनाएंगे तो तभी वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। पर लेकिन अगर उसको शॉर्टकट रूप से लेके चले जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो सिटीज होती है उनमें बाईपास होती है, तो ये एक तरीके से बाईपास भी इसको बोला जाता है कि बाईपास कर दो इसको, पर लेकिन बाद में अगर लंबे समय तक उसको इंप्लीमेंट करके रखना है तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू लेकर आना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो रह सकता है यहाँ पर 6 वीक तक रह सकता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 6 वीक इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है जिस दिन से यहाँ पे सेशन हो जाता है, विद इन 6 वीक इनको इंप्लीमेंट इसको करना ही करना पड़ेगा, मतलब दोनों हाउस से यहाँ पर पास करा के इसका लॉ बनाना पड़ेगा, अगर नहीं कराएंगे तो ये वहाँ पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम पीरियड आप लोग बताइए इसका क्या होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ कई लेक्चर में, मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैक्सिमम पीरियड क्या होता है यहाँ पर जो इसका ऑर्डिनेंस का होता है, मतलब उसके बाद में ये नहीं चल पाएगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो लेक्चर देखिए जिस तरीके से हमारे चल रहे हैं उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे, बस थोड़ा सा ये कई आप लोगों के डाउट रहते हैं बीच बीच में, तो डाउट क्लियर करने के लिए इस तरीके के लेक्चर बना देता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में कनेक्टिविटी भी बनी रहे और लेक्चर के बीच में आप लोगों के माइंड में बोरियत ना आए और ये अलग से पॉइंट आप लोगों के हो जाते हैं, तो इसीलिए इस तरीके के छोटे छोटे लेक्चर ले लेता हूँ जिससे कि आप लोगों की एक कनेक्टिविटी बनी रहे और आपके माइंड में क्लैरिटी भी रहे और क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आ रहा है उसको आप लोग सही से अटेम्प्ट भी कर सके, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी सारे लेक्चरों की जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर फेसबुक का पेज है और ये टेलीग्राम का लिंक है, दोनों आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, पानी को पेड़ को सेव कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।